कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्र में मिले ओमिक्रॉन के 3 मरीज, तीनों मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारी हैं। वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने के बाद भी हुए ओमिक्रॉन पॉजिटिव, शहर में मचा हड़कंप, पालिका प्रशासन अलर्ट, उनकी तबीयत हो रही है स्थिर। 3 केडीएमसी के अपने ओमिक्रॉन के कल पेशेंट मिले हैं, वो वर्किंग करते हैं मुंबई में, जो रूटीन के मंत्रालय में जो रहते हैं रूटीन टेस्टिंग रहता है उनका 8-8 डेज में, तो वो टेस्टिंग उनका किया है और उसमें वो आरटीपीसीआर पॉजिटिव निकले हैं। बाद में वो सैंपल जो रहते हैं वो जे हॉस्पिटल ने वो सैंपल रैंडम सैंपल वो ओमिक्रॉन है क्या नहीं वो जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा थी, तो उसमें तीनों पॉजिटिव ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए हैं। तीनों असिम्टोमेटिक है और उसमें का एक है वो 20 दिसंबर को ही एडमिट है अपने 8 के जरिए सीसीसी सेंटर में, 2 होम आइसोलेशन में थे लेकिन अभी पॉजिटिव आया ओमिक्रॉन करके उनको कल रात को ही एडमिट किया है अपने 8 के जरिए सीसीसी सेंटर में। ये कहाँ जॉब करते हैं सर मैम और एक कैसे संपर्क में आए ये? वो मंत्रालय में जॉब करते हैं तो जो पुलिस है दो तो बहुत लोगों को जाने से ये करते और मत जाओ करते, तो उसमें बहुत सारे लोग रहते शायद उनमें से उनको इन्फेक्शन आ गया होगा। इनकी उम्र क्या है मैम तीनों की? तीनों की 30-40 के इसमें उम्र है। इसमें उनके क्या हालात है इस समय, किस तरह स्थिर है? वो तीनों के तीनों असिम्प्टोमेटिक है और तीनों के तीनों वैक्सीनेटेड भी है, तीनों ने दोनों डोज लिए हैं और इसके लिए वो तीनों असिम्प्टोमेटिक है, उनको कुछ भी तकलीफ नहीं है।